जबलपुर में कोविड-19 संक्रमण के दौरान समस्त आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका बहनों द्वारा सेवा के कार्य किए गए थे। प्रशासन द्वारा इन्हीं के माध्यम से सर्वे कार्य करवाए गए थे। इन्हीं लोगों द्वारा टीकाकरण के कार्य संपन्न हुए थे। कैंट विधानसभा के रानी अवंतीबाई वार्ड में सेवा का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी आशा और सहायिका कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। विधायक अशोक रोहाणी ने सभी को सम्मान प्रदान किया, सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भाजपा की वरिष्ठ नेत्री एवं भाजपा जिला महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती विभा उपाध्याय और पूर्व पार्षद एवं भाजपा की वरिष्ठ नेता रिंकू विज सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अटल बिहारी मंडल के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सहायिका बहनों का सेवा का सम्मान कार्यक्रम कैंट के यशस्वी लोकप्रिय विधायक सम्मान श्री अशोक रोहाणी भैया जी के द्वारा किया गया है। सोशलम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने जो कि अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना के समय घर घर उन्होंने जाके सर्वे किया कि किन को बीमारी है, किन को दवाइयों की ज़रूरत है, उन कार्यों के उन सेवा के लिए जो वैक्सीन जब वैक्सीन लग रहा था वैक्सीन सेंटरों पर आशा कार्यकर्ता एनएम हमारी एनएम बहने सहायिका बहने कार्यकर्ता बहनों ने जो वैक्सीन सेंटर पर अपनी सेवाएं दी उन सेवाओं के लिए उनका सम्मान किया गया। पोलियो को जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, पोलियो ड्यूटी भी कार्यकर्ता बहनों के द्वारा किया जाता है। जितने भी कार्य है केंद्र सरकार की राज्य सरकार की उन योजनाओं को जो हर घर घर पहुंचाती है ऐसी हमारी सभी बहनों का सेवा का सम्मान का कार्यक्रम स्पोर्ट्स क्लब में रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कैंट के लोकप्रिय विधायक सम्मानित श्री अशोक रोहाणी भैया जी, वार्ड के लोकप्रिय पार्षद एवं भाजपा नगर उपाध्यक्ष श्री रिंकू विज जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री एम एन मेहरा जी, परियोजना अधिकारी शहरी क्रमांक 2 श्री प्रशांत पुराविया जी, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिल्पा नेल्सन मैडम जी उपस्थित रही एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विशेष रूप से प्रदेश सरकार के आह्वान पर आंगनवाड़ी गोद लेने वाले लोगों का भी कैंट के लोकप्रिय विधायक अशोक भैया जी ने उनका भी मोमेंटो दे के स्वागत किया। धन्यवाद जी। आज कैंट विधानसभा के अंतर्गत उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जिनने आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिया उनका सम्मान किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायता और आशा कार्यकर्ताओं का भी आज महिला बाल विकास अधिकारी रिंकू विज जी और दुर्गा बहन जी के नेतृत्व में आज हम सब ने यहाँ सम्मान किया। निश्चित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायता और आशा कार्यकर्ता शासन की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना और शासन और जनता के बीच पुल का काम करती हैं। ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जहाँ आशा कार्यकर्ता कार्यकर्ता सहायता आंगनवाड़ी की बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना देते हैं। जैसे आपदा के समय कोविड के इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वैक्सीन के लिए प्रेरित करने के लिए भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज उन सब कार्यकर्ता सहायता और आशा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करके मैं अभिभूत हूँ। साथ ही उन सम्मानीय जनों का भी आज हमने सम्मान किया जिनने एक माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार की पहल पर आंगनवाड़ियों को गोद लिया है और उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना योगदान देंगे। मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूँ। आज उन लोगों का भी हमने अभिनंदन किया है। आने वाले समय में अपील करता हूँ जो भी अपनी सेवा के माध्यम से और जो अपना योगदान इस आंगनवाड़ी केंद्रों में देना चाहते हैं वो निश्चित रूप से आगे आएँ और उन बच्चों का भविष्य सुनिश्चित। जबलपुर से आशीष वाथरी की रिपोर्ट।